जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी इकोनॉमी, मेजर कल्सी क्लासेस। बेटा आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बार फिर हम कलेक्शन करके मॉडल पेपर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एकदम अंत तक वीवीआईपी ढंग से इसको आप देखते रहें, सॉल्व करें। और अब आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए। तो इसका मतलब अब आप लोग जो है एग्जाम आ रहा है, एकदम फास्ट हो जाइए। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? श्री एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और यहाँ पर आप देखिए, इसमें दो लिस्ट है और इस लिस्ट को आपको मैच करना है। इस लिस्ट को आपको क्या करना है? मैच करना। और अब यहाँ देखिए, एक प्रकार से एक प्राकृतिक आपदा है और दूसरी तरफ ये रीजन है, रीजन से संबंधित है। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियाँ एनडीए, सीरियस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अपेंटिस, इंडियन पोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल्सी क्लासेस साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस, बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं, आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहाँ आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं, टॉप काउंटर फैसिलिटी, जहाँ अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर, या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। फ्लड, ये बाढ़ कहाँ आती है? तो बाढ़ की सर्वाधिक समस्या से जूझ रहा है कौन? उत्तर प्रदेश और बिहार। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं ए का क्या होगा? 3। और बी का भूकंप, बी में क्या लिखा गया? भूकंप या अर्थक्वेक। हिमालय के गिरिपाद क्षेत्रों में सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना रहती है, जिसमें आप कहेंगे बी का 1 अर्थात 3-1। अभी भी 2 यहां पर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अभी हमें और आगे चलना होगा, सी का भी ट्रायल लेना होगा। तो ड्रॉट अर्थात सूखा कहां पड़ता है? झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा में, इसका मतलब सी का 2। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप याद किए रहिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और इस 3 में यहाँ पर आप देखिए, जैसे 2 लिस्ट हैं, इन दोनों लिस्ट को भी आपको टैली कराना है। और इस टैली में सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि जो आपको सबसे ज़्यादा आ रहा हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर ए अर्थात चक्राता कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 3 या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ ए का 3 कहाँ पर दिया गया है? 2 जगहों पर, ए में भी और सी में भी। अगर यहाँ पर देखा जाए, कुफरी कहाँ स्थित है? कुफरी हिमाचल प्रदेश में, अर्थात डी का 4 कहाँ दिया गया है? इसका मतलब ऑप्शन सी।
अब आपको अनावश्यक समय गंवाने की जरूरत नहीं है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर न्यूनतम से अधिकतम मान के क्रम में संघ राज क्षेत्रों के जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी का क्रम मिलाना है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ पर ये जो राज्य दिए गए हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, पांडिचेरी, जिसका पुराना नाम पुदुचेरी है, तो ये बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं सबसे कम किसका हुआ करता है, लक्षद्वीप का, इसके बाद पांडिचेरी, देन चंडीगढ़, इसके बाद दिल्ली। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। विच ट्राइबल क्लास पीपल कंसीडर दिवाली फेस्टिवल एज ए फेस्टिवल ऑफ सॉरो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सी जनजात दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है या मनाया करती थी, अब इसमें काफ़ी सुधार आया है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा, डी, थारू। थारू यह उत्तर प्रदेश में निवास करती है, यह कहा जाता है गोरखपुर के क्षेत्रों में निवास करती है, फिलहाल अब इसमें सुधार आ रहा है, इसको आप कह सकते हैं कि प्रश्न के क्रम में आपसे पूछा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ट्राइबल क्लासेस इज रिलेटेड टू प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ट्राइब, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजात प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजात से संबंधित है, संथाल, इसको रटे रहिए, 6 का सी, ये मेमोरी बेस्ड है, इसे आप याद कीजिए। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखें निम्नलिखित में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको देखना है कि विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अब आप देखिए ये रेल जोन से रिलेटेड है, रेल जोन आपके एग्जाम में पक्का अल्टरनेट एक ना एक सेशन में जरूर आता रहता है। तो इसमें आप देखिए जैसे दक्षिण पूर्व रेलवे का, साउथ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर 9, ये कहाँ है, कोलकाता है, तो इसमें ऑप्शन बी अर्थात 7 का ऑप्शन बी जो कि मैच नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, आप यहाँ भी देखेंगे दोनों मीडियम में है, आपको कूट करना है, एक बंदरगाह का नाम है और दूसरा यहाँ स्टेट कांदला, कांदला किस स्टेट में है, गुजरात, नावा सेवा महाराष्ट्र, पारादीप ओडिशा, पारादीप ओडिशा अर्थात 2, तूतीकोरिन तमिलनाडु मीन्स 3, 4123, 4123 इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी कि मैच, यहाँ भी दो लिस्ट है, इसे आपको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 9 और इसे कूट भी करना है, इसको आपको क्या करना है, कूट भी करना है। तो यहाँ पर अब आप देखिए जैसे यनियच नंबर 1 सबसे लंबा यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग जो कि जिसको आप कहते हैं वाटरवे कौन सा है, इलाहाबाद से हल्दिया, इसका मतलब ए का 4 और बी का यनियच नंबर 2 यनियच NW नंबर 2, तो यहाँ दूसरा हुआ करता है सादिया से धुबरी, इट मीन्स बी का 1। तो अब हम लोग कहाँ पर सही जा रहे हैं, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हुआ करता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पारादीप पोस्ट पोर्ट वाज डेवलप्ड टू केस एंड डीकोंडेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट, पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया वो है कौन, कोलकाता और विशाखापत्तनम, कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम जो कि सीमांध्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शब्द स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या अभिप्राय है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज ये जो ना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इट इज रिलेटेड टू सड़कों के निर्माण से संबंधित है जिसमें
देश के चार बड़े महानगरों को आपस में जोड़ने की यह एक प्रोजेक्ट है, योजना है, अर्थात ऑप्शन डी, चार भारतीय महानगरों को जोड़ने वाली राजमार्ग का विकास, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर द लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इज लोकेटेड इन गुजरात, तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? अलंग, गुजरात में ही कौन सा है? अलंग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आप देखें, जैसे कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर 13 का, यहाँ पर बहुत ध्यान से मिलाएं आप, क्वेश्चन नंबर 13 ए का, अर्थात बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम, नेशनल एल्युमिनियम। तो बाल्को कहाँ पर स्थित है? कोरबा। कहाँ पर स्थित है? कोरबा। ए का टू दो जगहों पर है, इसलिए बहुत ध्यान देना होगा। और हिंडाल्को कहाँ है? रेनीकोट। अर्थात इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। इसको आप मिलाएं 2, 4, 1, 3। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। यहाँ पर आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आप चार सेंटेंस कहे गए, मैक्सिमम कॉटन यार्न एंड कॉटन टेक्सटाइल यूनिट आर लोकेटेड इन गुजरात, सूती तंतु तथा सूती वस्त्र की मिलों की अधिकतम संख्या गुजरात में है। नो, ये कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। तो अब इसको यहाँ पर नहीं है, सही नहीं, तो ये बात सही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ आपको देखना, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से टैली करना है, किससे? लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आपको टैली करना है। और अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे भिलाई किसकी सहायता से स्थापित किया गया? रूस। और बी अर्थात राउरकेला जर्मनी से, अर्थात 2-3 कौन सा सही? ऑप्शन सी। तो इसको आप कह सकते हैं ये ऑप्शन सी, तो इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ समझ में बात आ रही होगी बेटा, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बहुत तेज चल रहे हैं आपके समय को देखते हुए। इन बरौनी ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री इज इस्टेब्लिश्ड, यहाँ स्टेटमेंट है, और अर्थात रीजन और एसर्शन। बरौनी में तेल शोधन उद्योग स्थापित है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और बरौनी के पास ही तेल खनन किया जाता है। नो, इसके अगल बगल तेल खनन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी स्थित है। इस प्रकार ए सही है और गलत है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यह भी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर कहा जा रहा रीजन एंड असर्शन। अब आप देखिए, चीनी उद्योग का भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप कह सकते हैं अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एकदम यहाँ पर चीनी मिलें बहुत ज़्यादा हैं। रीजन क्या, द शुगर केन वैरायटी प्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश ऑफ लो क्वालिटी। ये भी बात सही है, इसका मतलब 17 का भी सही है, दोनों बातें सही। यहाँ घटिया किस्म का गन्ना पैदा होता है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, इसका करेक्ट जवाब बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट। भारत का सबसे बड़ा केमिकल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है, गुजरात। कहाँ पर, गुजरात। कम टू द नेक्स्ट, अब देखें स्टेट वेयर मैक्सिमम पेपर मिल आर लोकेटेड, सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्थित है डियर। तो अब आप कहेंगे कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वेस्ट बंगाल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर भी दो लिस्ट है जिसे हमें मिलाना है। तो आप इस लिस्ट को आप बहुत ध्यान से देखिए। जैसे आप कह सकते हैं कि ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र या जूट का सामान, जैसे यहाँ चलें ऊनी वस्त्र लुधियाना, अर्थात सी का टू। सी का टू कहाँ दिया है, दो जगहों पर दिया है। इसके बाद उलन, सी का टू के बाद डी का कालीन उद्योग भदोही, तो डी का क्या होना चाहिए, वन, डी का वन। ये भी मामला दोनों जगहों पर बराबर है। तो अब आपको तीसरा मिलाना पड़ेगा, जैसे रेशमी वस्त्र, अर्थात बी का थ्री, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी का थ्री। इसका मतलब इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा, ऑप्शन बी। तो अब इसी के साथ बेटा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पर। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत।